आगे बढ़ते हैं। बीजेपी सांसद और WFI के अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह से जुड़ी बड़ी खबर है। महिला पहलवान ने सांसद के खिलाफ शिकायत वापस ली है। नाबालिग ने 2 जून को शिकायत वापस ली थी। सूत्रों के हवाले से खबर है, महिला पहलवान ने पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। पटियाला हाउस कोर्ट से शिकायत वापस ले ली है महिला पहलवान ने। पुलिस की तरफ से अभी तक आधिकारिक बयान लेकिन नहीं आया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ब्रजभूषण सिंह से जुड़ी बड़ी खबर है, महिला पहलवान ने सांसद के खिलाफ शिकायत वापस ली है। नाबालिग ने 2 जून को वापस ली थी शिकायत। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर, महिला पहलवान ने पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। पटियाला हाउस कोर्ट से शिकायत को वापस ले लिया है महिला पहलवान ने। पुलिस की तरफ से हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और इसकी पुष्टि भी अभी आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर यह हम आपको बता रहे हैं। तो पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर। और इसी बीच एक बड़ी खबर कि नाबालिग महिला पहलवान ने शिकायत वापस ले ली थी 2 जून को, सूत्र ये बता रहे हैं। महिला पहलवान ने सांसद के खिलाफ शिकायत वापस ली। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि नाबालिग ने 2 जून को अपनी शिकायत वापस ली थी। महिला पहलवान ने पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे पटियाला हाउस कोर्ट से वापस ले लिया गया है। हालांकि पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि, आधिकारिक बयान इस पर अभी नहीं आया। फिलहाल यह खबर सूत्रों के हवाले से। ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी। FIR दर्ज हो गई है लेकिन गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। पहलवानों का यह कहना है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक वो प्रदर्शन करते रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे दिल्ली संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, क्या ये वही नाबालिग पहलवान हैं जिनकी बालिग होने की बात सामने आई थी, जिन्होंने अपनी शिकायत वापस ली है? शंकर, निश्चित तौर पर देखिए, जो जिस तरह से नाबालिग लड़की की चर्चा हो रही है और जिस तरह से एक दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक एक खबरें आ रही है कि उस नाबालिग लड़की ने ही अपना स्टेटमेंट जो है वापस लिया है और जिस तरह से दिल्ली पुलिस के सामने भी इस मामले को लेकर अपना स्टेटमेंट दर्ज कराई थी और जिस तरह से स्टेटमेंट वापस लेने की जो बात आ रही है, तो निश्चित तौर से इसका जो एक फायदा ब्रजभूषण सिंह को मिल सकता है। और जिस ब्रजभूषण शरण सिंह की अगर बात करें तो उसके खिलाफ जो पॉक्सो एक्ट जो है काफी कारगर माना जा रहा था, लेकिन अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे फायदा जो है ब्रजभूषण शरण सिंह को मिल सकता है। लेकिन इस मामले में औपचारिक तौर पर दिल्ली पुलिस अभी तक कोई पुष्टि नहीं कर रही है। दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि इस मामले में जो भी इनपुट होगा, जो भी स्टेटस रिपोर्ट होगा, वो कोर्ट के सामने रखा जाएगा, कोर्ट के सामने ही बताया जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि औपचारिक तौर पर पुष्टि नहीं की जा रही, लेकिन जिस तरह से सूत्रों के मुताबिक ये खबरें आ रही हैं कि लड़की का जो स्टेटमेंट है वो वापस लिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इस वक्त की एक बड़ी यह अपडेट है। लेकिन इस मामले में औपचारिक तौर पर कल जब कोर्ट की कार्रवाई होगी, कल कोर्ट में जब इस कोर्ट से जब ये इसकी रिपोर्ट जब दिल्ली पुलिस के द्वारा लिया जाएगा, तो हो सकता है कि उस वक्त में तमाम जो बातें हैं वो निकल के सामने आ सकती है। और कोर्ट का जो दस्तावेज है अगर वो मिलता है तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी अपडेट इस महिला पहलवानों से जुड़ा मामले में कहा जा सकता है। और शायद इसी का तकाजा है कि अभी तक जो मुख्य तौर पे जो आरोपी जिस तरह से बनाया गया था ब्रजभूषण शरण सिंह को, तो इसी वजह से उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि जिस तरह से महिला पहलवान के द्वारा शुरुआती तौर पर आरोप लगाया गया था लेकिन बाद में ये बात सामने आ रही थी कि वो बालिग है, नाबालिग नहीं है। तो जिस वक्त में ये मामला रजिस्टर्ड कराया गया था उस बात को लेकर इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा हुआ काफी महत्वपूर्ण
दस्तावेज और कई राज्यों में जाकर के दिल्ली पुलिस इस मामले की तफ्तीश की है। तो अब देखना लाजमी होगा कि कोर्ट के द्वारा जो दस्तावेज है अब किस तरह से बकायदा प्रमाणित होंगे और किस तरह से इस मामले में आने वाले दिनों में दिल्ली पुलिस औपचारिक तौर पर स्टेटमेंट देगी वो निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। बिल्कुल, आधिकारिक पुष्टि और आधिकारिक स्टेटमेंट का इंतजार हमें अभी करना होगा। शंकर, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।